जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं अगहन गुरुवार माँ महालक्ष्मी व्रत कथा एवं पूजन विधि। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना करता था। उनकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु चले गए। अगले दिन वह सुबह ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गए कि वह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई। यह पूजा गुरुवार के दिन करनी होती है। यह व्रत पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को सुनें। शीश गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुआरी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ पीढ़ा या आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फूल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुंकू प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट न रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं एवं परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में
यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में न लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों से तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ने समय शांति तथा एकाग्रता रखें। मार्गशीर्ष के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में पांच गुरुवार आए तो पांचों गुरुवार को उस दिन अमावस्या या पूर्णिमा हो तो भी पूजा करें।